जासूसों द्वारा मुझे खबर मिली है कि राजकुमारी मीनाक्षी की शादी हो रही है और उस शादी में सुल्तान सिंह यानी हमारे पिताजी मंडप से राजकुमारी मीनाक्षी को उठाना चाहते हैं। और मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। अभी और इसी वक्त मैं जा रहा हूं और देखता हूं कि दुनिया की कौन सी ताकत राजकुमारी मीनाक्षी की शादी होने से रोकती है और उसे मंडप से उठाती है। जय भवानी माँ। काफी दिनों का समय बीत गया और अभी तक शंकर गणराज्य की कोई खबर मुझे नहीं मिली। मैं अपने दिल में सोचता हूं कि आज मैं राज की तरफ जाऊं और राज्य महल में जाकर देखूं कि शंकरगढ़ में क्या हो रहा है। हमें वहां जाकर आज खबर लेना है कि शंकरगढ़ राज्य में क्या हो रहा है। बहुत 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 गबज हो रहा भैया, बहुत गबज हो रहा, गबज हो रहा भाई। इतना घबराया हुआ है कि तेरे मुख से आवाज नहीं निकल रही, आवाज निकल रही तो कह रहा गबज हो रहा है। हाँ भाई। अरे गबज नहीं, गजब हो रहा। हाँ हाँ, क्या गजब हो रहा और इतना घबराया हुआ क्यों नजर आ रहा? मौत होने वाली है भाई, मौत, खून खराबा होने वाला। क्या कोई खतरा होने वाला है? गोलियां चलने वाली है, गोलियां चलने वाली है, लाश पे लाश बिछने वाली है। अच्छा, और क्या? तो कहाँ पे गोलियां चलने वाली हैं? शंकरगढ़ दरबार के अंदर। शंकरगढ़ दरबार के अंदर? हाँ। कौन खतरा करने वाला, कैसे गोलियां चलने वाली हैं? वहाँ शादी हो रही। शादी? हाँ। किसकी शादी? महामंत्री अजय सिंह की। किसके साथ होने वाली है? राजकुमारी मीनाक्षी के साथ। राजकुमारी मीनाक्षी के साथ? हाँ। महामंत्री अजय सिंह की शादी? हाँ। राजकुमारी मीनाक्षी के साथ? हाँ। क्या महाराज शंकर सिंह पागल हो गए? पागल नहीं है, महाराज के हाथ में हथकड़ी पड़ी है। अच्छा। और महाराज इस वक्त जेल में है। जेल में? हाँ। अच्छा, जेल में कौन बंद किया? महामंत्री अजय सिंह ने। महामंत्री अजय सिंह महाराज को जेल में बंद करके? बंद कर दिया। राजकुमारी मीनाक्षी के साथ जबरदस्ती शादी करने जा रहा? शादी हो रही बा जबरदस्ती। अच्छा, जबरदस्ती। हाँ। लेकिन इतना बताओ कि ये शादी कब होगी और शादी कहाँ होगी? कल होगी। कल होगी? हाँ। अच्छा, दरबार के मेन गेट के सामने? हाँ। जो बहुत बड़ी फील्ड पड़ी है। हाँ। खेतहारी? खेतहारी? हाँ। खेतहारी नहीं, वो दरबार के सामने जो बड़ी फील्ड पड़ी हुई है उसी फील्ड में। फील्ड का हुआ भट्टा खुलाया है। अरे जो सामने मैदान पड़ा हुआ है। हाँ। उसी मैदान में मंडप, उसी मैदान में मंडप सजा है। हाँ। और उसी मैदान में कल शादी होगी। शादी सुबह ठीक 10 बजे। 10 बजे? हाँ। मंत्री अजय सिंह ठीक 10 बजे शादी रचाएगा? शादी करेगा। और सबसे दुख की बात यह है, कुछ शादी में डाकू सुल्तान सिंह आ रहा। सुल्तान सिंह? डाकू सुल्तान सिंह आ रहा। उसने कह दिया कि दुल्हा और दुल्हन दोनों को उसी मंडप के नीचे गोली मारूंगा, मंडप में आग लगा दूंगा। उस शंकरगढ़ राज के अंदर दरबार के अंदर कोई जिंदा नहीं बचेगा। अच्छा, लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, मैं राज्य में ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे सुल्तान तो जऊन आवत है उतय है। हाँ? वह कह बेटवा जग्गा आवत है। क्या जग्गा भी वहां जा रहा है? आपका तो ठीक है, मैं वहां पहुंचूंगा। हाँ? ये शादी जो करने जा रहा अजय सिंह, अजय सिंह का सपना पूरा नहीं होगा, मैं शादी होने नहीं दूंगा। अच्छा, मेरा संदेशा जाकर अजय सिंह से बोल देना। हाँ? कि जो अपने दिल में प्रठान रखा है कि राजकुमारी के साथ मैं शादी रचाऊंगा, शादी नहीं उसी मंडप पे उसकी बर्बादी होगी, और शादी की डोरी नहीं बल्कि मंडप से अजय सिंह की अर्थी उठेगी। ये मेरा संदेश था, जाकर के तुम अजय सिंह को बता देना। कहो सब जिले पे वाले पे उतारू आगा। क्या हुआ? को हमार साथ नहीं देते। सब जिले कहा था गोली चले, गोली चले, गोली चले। तुम चाहते क्या हो? अरे ब्याहवा हो जाए जा। शादी? मान लिया शादी हुए, राजकुमारी जी के तो जनसंख्या बढ़ेगा है। मेरे रहते हुए
वो मंत्री अजय सिंह राजकुमारी के साथ शादी नहीं कर सकता, ये मेरा प्रण है। आओ भैया। हाँ मैं आऊंगा। आया भाग गोली वोली चलाया। हाँ? तो एक को हमारे गोली न लागे पाए बाबू। तुम्हारे गोली नहीं लगेगी। हाँ लेकिन इतना याद रखना। हाँ? कि मैं पहुंचने से पहले हवाई फायर करूंगा। हाँ, हाँ, हाँ। और गोलियों की आवाज सुनते ही मंडप को छोड़कर भाग जाना, क्योंकि बंदूक की निकली गोली फिर वो किसी को पहचानती नहीं है। एक गोली जो दगा ले वाला तो भाई फिर मुसाई जवार मन दिखाए पड़ा। अच्छा फिर मैं जा रहा हूँ। इसी वक्त जा सकते हो। अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। बाय बाय टाटा। अच्छा तो हम चलते। हरामजादे अजय सिंह, आज 30 साल मुझे समझ में आ गई, तो राजकुमारी मीनाक्षी के साथ जो शादी करने का प्रण अपने दिल में ठान रखा, ये तेरा सपना पूरा नहीं होगा। राजकुमारी मीनाक्षी वो हमारी बहन है, भले ही उसने मुझे जल्लाद के हाथ सौंपा दिया तो क्या, लेकिन हमें अपनी बहन की इज्जत को बचाना है। और पापी अजय सिंह जो अपने दिल में सपना सजा रखा, ये तेरा सपना साकार नहीं होगा। अब इस काम को पूरा करने के लिए, तेरी शादी रोकने के लिए मुझे तेरे बंगले पर पहुंचना है। वहां तेरी बेटी लक्ष्मी होगी, मैं जाकर उसे गिरफ्तार करूंगा, धोखे में डालकर अपनी हिरासत में लूंगा और मंडप पे पहुंचकर मैं इसकी जान से खेलूंगा। अगर तुझे अपनी औलाद प्यारी होगी तो तुम मेरी बहन के साथ शादी नहीं रचाएगा। आ रहा हूं इस वक्त में अजय सिंह तेरे बंगले पर। जय भवानी माँ। जग्गा कहाँ हो जग्गा? मैं आपको जब से देखती नहीं, मेरा दिल लगता नहीं, और मुझसे मिलने का वादा किया था लेकिन अभी तक तुम आए नहीं। मैं आपको इसी चमन में इंतजार करती हूँ। और बहे पुरवैया बयारी हो, बहे पुरवैया बयारी हो, सखी आए ना सजनवा। बहे पुरवैया बयारी हो, सखी आए ना सजनवा। बहे पुरवैया बयारी हो, सखी आए ना सजनवा। ननद की बोलिया कल जवा मचाले, ननद की बोलिया कल जवा मचाले, कल जवा मचाले, कल जवा मचाले। ननद की बोलिया कल जवा मचाले, कल जवा मचाले, कल जवा मचाले। कैसे कही हो, कैसे कही दिलवा तुहार को, सखी आए ना सजनवा। रतिया में निंदिया न
सखी आए ना सजनवा रतिया पुरवैया बयारी हो सखी आए ना सजनवा बहे पुरवैया बयारी हो सखी आए ना सजनवा। वाह लक्ष्मी, देखता क्या हूं कि अपने बंगले पर तो खुशियों के गीत गा रही है, खुशियों में मग्न हो रही है। अरे किसकी याद में तू बेचैन हो रही है? मैं जग्गा की याद में। हो जग्गा की याद में? हाँ। इसका मतलब कि तू जग्गा से प्रेम करती है? हाँ, मैं जग्गा से प्यार करती हूँ। हाँ, जग्गा से प्यार करती है। हाँ। इसीलिए तू जग्गा के लिए परेशान है? हाँ। क्या जग्गा ने आज तुझसे मिलने का वादा किया था? हाँ, मुझसे मिलने का वादा किया था। अच्छा, उसने कहा था कि वो आज तेरे बंगले पर आएगा? लेकिन लक्ष्मी जग्गा मेरा दोस्त है। तुम्हारा दोस्त? हाँ, जग्गा में हम में बहुत बड़ी घनिष्ठता है और जग्गा ने मुझसे कल वादा किया कि दोस्त हम दोनों दोस्त कल चलेंगे माँ भवानी के मंदिर पर। हाँ। दर्शन करने के लिए मैंने जग्गा को जाकर उसके अड्डे पर देखा। हाँ। वहां हमें नहीं मिला। उसके बाद अपने दिल में मैंने सोचा हो सकता है जग्गा लक्ष्मी के पास बंगले पर हो, यहाँ आकर देखता हूँ यहाँ भी नहीं। इसका मतलब कि वो जग्गा हम लोगों से पहले माँ भवानी के मंदिर पे पहुंच चुका। अगर तुम्हें जग्गा से मिलने का शौक है और मिलना चाहती हो तो तुम मेरे साथ चलो। मैं वादा करता हूँ और कसम खाता हूँ कि माँ भवानी के मंदिर पर तुम्हारी मुलाकात जग्गा से मैं करूँगा। सच कहते हो? मैं सत्य कहता हूँ। आप मुझे जग्गा से मिलाओगे? हाँ, ये मेरा वादा है कि मैं जग्गा से तुम्हारी मुलाकात उसी माँ भवानी के मंदिर पर करूंगा। अरे चलिए ना, फिर क्या है तेरी कर रहे हैं? अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है तो चलो और वहीं पर चलकर मैं जग्गा से बोल दूंगा यही दोस्त जग्गा तुम माँ को साक्षी मानकर अपनी प्रेमिका अपनी माशूका लक्ष्मी के मांग में सिंदूर भरकर इसे सदा सदा के लिए सुहागन बनाएंगे। मुझे आपके बातों में विश्वास। विश्वास है? हाँ। अगर विश्वास है तो आओ लक्ष्मी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर माँ के द्वार पे चल रहा हूँ। चलिए भी देरी ना करिए, आइए मेरे साथ। रमली जाओ, इसी वक्त महाराज को जेल से निकाल कर यहाँ ले आओ। आपकी शादी में मैंने वो व्यवस्था कर लिया है, शादी में उनको बुला लिया है जिसको आपने कभी सोचा नहीं होगा। ओह, तो किसको बुला लिया है? बहुत बड़ी व्यवस्था आपकी शादी में मैंने किया है। शादी में तरह तरह की मिठाई। तरह तरह की नहीं रामली, हाँ? हर प्रकार की मिठाई। हाँ, तरह तरह की मिठाई। हाँ, तरह हाँ हो कह दिन तरह वाली मिठाई। तरह तरह की नहीं तो वही तो हम सोचे थे तरह वाली कौन मिठाई। तरह तरह की मिठाई। हाँ रामली। तरह तरह के पकवान। पकवान एक से एक भोजन। हाँ। एक से एक बाजा मैंने किया है। बाजा? हाँ। बाजा कहाँ का मंगवाए हो? बाजा मैंने ब्रास बैंड पार्टी मंगवाया है। ओह, हाँ है। कहाँ का वो? हाँ, कहाँ का बाजा है? ब्रास बैंड पार्टी आ रही है बिंदागंज से। बिंदागंज की? हाँ, तो और वहीं से शहीद हवाईदार आ रहे हैं गोला लगाने। ओह, बिंदागंज से। क्यों नहीं, ये सब रायबरेली के हैं। हाँ, और कैमरा मैंने कर लिया है। कैमरा कहाँ का है रामली? तो हार सबके ले आए। क्या फोटो? ओह हाँ हाँ, कैमरा मैन दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से? जेडी म्यूजिक कंपनी। हाँ। नरेला दिल्ली से। ओ, फेमस कंपनी है। और क्या, अरे जितनी टाइम तो है सबके ब्याह में कैमरा चले ना। हाँ। देखबे तो याद करोगे। क्या बगिया? अरे शादी याद आएगी कि कोई राजा महाराजा की शादी हो रही है।
देखा जाए कोई घोड़ा की शादी हो रही। क्या बोला? कोई शहंशाह की शादी हो रही, राजा की। और मैंने नौटंकी किया है। नौटंकी कहाँ की है? हमारी खुद की है। तुम्हारी? हम खुद नौटंकी कर लेते हैं। ओ तो हाँ। कंपनी का नाम क्या है? हाँ? कंपनी का नाम तिंगलिंग। ये बता, हाँ? तू किस कास्ट का है रे? हाँ? तू किस कास्ट का है? काजी? किस जात का है तू? किस जात का है? हम? हाँ। हमें खानदान का ना पूछो, हम तो वह माहिन। किसमें? अरे तिरिया तिरिया जिलकरा भैवा, अरे ना समझाओ कि तिरिया मो। आओ पहले देखाओ छिछली तलैया, फिर दिया गहरे बाबू। हे जगा दिया कि जगा दिया गुरु पैया लागी, जगा दिया हो गुरु पैया लागी। बात करो राम जी। तो इस बाजे को किए हो? या बाजा ना है। और क्या? या अपन बिरादरी आए बतावा है। बिरादरी बताया हो, लेकिन अभी तुमने ट्रिंगलिंग बताया था। का? अभी बजाया बताया था ना वो ट्रिंगलिंग। हाँ। ये रविदास में बत्ता है, रविदास में। अरे तुमने तो कहा तो मैंने किया है। नहीं किए हैं, मतलब सब कहे बाजा मालिक। यानी हर प्रकार के बाजे बाजेंगे। हाँ। धूमधाम के साथ हमारी शादी होगी, घोड़दौड़ होगी। क्या? घोड़दौड़ होगी, घोड़ों की दौड़ होगी। और क्या, मंडप सजा हुआ है, घोड़दौड़ होगी। मतलब मैं बाजा मालिक हूँ। ओ बाजा मालिक। हाँ तो वह बाजा है, हमें लगे वह बाजा है। ये कौन सा बाजा है? ये दहकी वाला बाजा है। ओ हर प्रकार के बाजे। और क्या? हाँ कसो दहकी यार। कहे दहकी वाला बाजा है। हाँ। दहकी जोरी है, हारमोनिया है, टंकी नगाड़ा है। ये जो नौटंकी वाला बाजा है। हाँ। थोड़ा इसका म्यूजिक सुनवा सकते हो? कौरे निपोरी लाल महाराज खड़े यहाँ की कुर्सी क्या हो गई? हाँ इन्हें कोई देश का उठाए गिर समझ रहे हो? हाँ रामली लगाओ, आज इनको हम बाजा सुनाएंगे। ये नौकर बहुत लापरवाह हो गए हैं। लापरवाह नहीं, कहा करें बेचारे, दौड़त दौड़त थक पड़े। बहुत दौड़ते हैं, ठीक है। अरे कोई राजा की शादी हो रही है। असल बात में बफर सिस्टम का इंतजाम मैंने किया है। हाँ। तो उधर ये कुछ सिस्टम लगवा रहे थे। अच्छा। हाँ बैठ के आलू छीलत रहे। कौन? काहे सब्जी न बनवे के पड़े का? अच्छा, हाँ। देख रहे हो का इनका चेहरा देख रहे हो? हाँ। कितना चमक रहे, अपनी जान धोबी के दामाद ही खड़े है। और क्या, चलो और इंतजाम आगे करो। चलो हाँ बाजा सुनवा है क्यों? हाँ सुनाइए बाजा। कौन सा बाजा सुनोगे? अरे नौटंकी का साथ सुनाइए। जरा है बाजा बजाओ, हारमोनिया वाले जरा बजाओ अपना बाजा। तुम्हारी मुनिया हम देखें कैसी बज रही। वही हारमोनिया। बंद करो, मारो पूरा पैसा नाश कह दियो यार। बताओ कौन सा बाजा बजा रहे? हाँ कौन सा बाजा बजा रहे? बजा रहे हैं आज मेरे सार की शादी। अरे बजा रहे हैं आज मेरे यार की शादी है। यार की शादी है? और हम कहे बजाओ थी आज मेरे सार। वही बने तो हम बिगड़िन गए इनकी बतावा, तुम इनके सार है। चला हटावा, चला अब हका ना बजाया, बजाओ खो तो हका बजाया। हाँ टूट गा गो टूट गा झाई झाई कड़ा मरा मर झाई झाई पाले आए शुक्ला आए तिवारी झाई 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 झाई
मंडप सज गया है। छाची क्या बोल रहा है? मतलब ये बाजा का सुर आए। तेरे सुर तो कुछ अलग ही निकल रहे हैं। निकला मरा मर झाई 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 छाची ढक। बस करो ये बाजी को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। हाँ बढ़ावा जाए। अब गोला वाले गोला दगाओ, घोड़ा वाले घोड़ा दौड़ाओ, और हाथी वाले हाथी काटो तो उदी टियारा खाए। क्या हाथी काटो? हाँ पत्ते को काटो हाथी मतलब चारा खाए। अच्छा हाँ टेरवा काटे हाथी का, हम कहें हाथी में काट डाव टेरवा खाए। हाथी को नहीं तो चला बैठा। अब लड़की को बुलाइए और राजा को बुलाइए, क्योंकि राजा को कन्यादान करना है और लड़की की शादी होना है। कहाँ गया हो निपोरी बिहारी लाल? आवा आवा, पुरखिनों का अपनी बुलाए लिहा, खार छोड़ावे के पड़े। सब तैयार है, तैयारी में है सब। महाराज को लेके आ रहे। इधर इधर ले आ, इधर लाइन पर खड़ा कर दो और जाओ राजकुमारी को लेके आओ। राजकुमारी जी को लाना, हथकड़ी में नहीं ले आना, नहीं लोग शंका करेंगे। लेके आओ। खाता अब अपन अपन बाजा बंद कर दा, अपने अपने बाजा के मुंह मूंद के और बैठे। अच्छा नहीं बाजा देख के हमारो जीव लालत लागे थे कि हम हूँ बजाई। हाँ तुम कौन सा बाजा बजाओगे? नहीं सबके हम जूठी ना, तो इनके सबके हम बाजा फोड़ डाई। नहीं नहीं ऐसा नहीं। हाँ हाँ शादी हो जाने तो, शादी के बाद, शादी के बाद तो बाजा फुटबे करे। देखा कोई के बाज इन्हें मुरैयो के बाजा हम सोची तो फोरी है। किसी का बाजा नहीं फोड़ना है। नहीं ये जो उन पी पी लगाए हैं ना, इन्हें के बाजा हम सोची तो फोड़ डाई। इनके बड़ा सुकवार बाजा है। शादी के बाद हाँ बच्चे होंगे। हाँ मुंडन किया जाएगा। हाँ तो फिर तो बुलाया जाएगा इन लोगों। तो तोहरे लड़का हुए हैं हमका मौसिया, हमारी पत्नी के होंगे। तोहरे पत्नी के लड़का हुए हैं हमका मौसिया का ही है। अच्छा ठीक है, लड़की आ गई, महाराज आ गए और शादी की शुभ घड़ी आ गई है, अब शादी किया जाए। और रामली शादी में पंडित जी लगते हैं, पंडित जी को बुलाया जाए और राजकुमारी मीनाक्षी के साथ हमारी शादी रचाया जाए। देखिए आपके पूरे शंकरगढ़ में हम घूम कर देख लिए, चारों तरफ मैंने देखा, सब कोई तो मिला हाँ, लेकिन मुझे पंडित जी नहीं मिले। पंडित जी नहीं मिले, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हाँ काल काल दोपहर के 1 बजे मालूम नहीं क्या होएगा, तोहरे पंडित ही मर गए। पंडित जी खत्म हो गए। पंडित जी खत्म तो रामली हमारी शादी का क्या होगा? पंडित जी खत्म समझो, शादी खत्म। ओ नहीं रामली, हमारी शादी अनिवार्य है, होना चाहिए। हाँ रामली तो थोड़ी देर के लिए मैं पंडित बन जाता हूँ, आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं वही पोजीशन में फिर आ जाऊंगा। तो ठीक है हाँ बन जाओ पंडित जी और हमारी शादी रचाओ। चलो ठीक है। सुनो इधर आ, अब थोड़ी देर के लिए पोजीशन बदल रहे हैं। अच्छा आई एम पंडित जी और तुमको थोड़ी देर के लिए नौवा बना रहा हूँ। अच्छा, 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 अच्छा। तुमने सुना होगा क्या? कि जहाँ जहाँ गंगा हुआ झाऊ और जहाँ पंडित हुआ नाऊ, तो बिना नाव के पंडित अधूरा रहता है। रहेगा अधूरा। तो तुम थोड़ी देर के लिए पंडित बन जाओ। अब लड़का दहले और लड़की बाएं ले आओ। अच्छा। चलो लड़की लेके आओ। हाँ और सुनो जब हम इनकी शादी में शुरू कर दे तो तुम बढ़िया छत्तूर तान के और शादी में खड़े हो जाए। अच्छा हाँ शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं कमी तो नहीं ला, कहा कमी तो नहीं ला, बढ़िया कहा बढ़िया बने हा। हाँ छत्तूर तान के खड़े रहना। अच्छा चलो पहले की करो, पैर भी छूना पड़ेगा। कहे पंडित के पैर नहीं कहा छुआ जात। नहीं नहीं पढ़े लिखे यहाँ
चलो ठीक है, हम छूते पैर ताई, कोई देखता तो नहीं, नहीं कौन आए लेखा सब आखे मुंधे आए, जब ये पैर छुए लागे सब लोग ताली बजा देना, चलो पैर छुओ बैठ के आराम से। हाँ बड़े कहो बने रहा जजबान आग दुनों फूटे, शरीर रहा तरदूत गार दुनों फूटे, लड़का हो 1000 चाहे खोपड़ी पर से मुँह बने रहा, घर में मदार जाम है भैंसी का हल्का चले माठा मांग मांग खा। अरे राम मिली पंडित जी, हाँ ये कौन सा मंत्र है? ये तो कहा छोटवार शॉर्टकट में आशीर्वाद दे, पूरा आशीर्वाद दे, हमका पूरा दोपहर भर लागत है। चलो शादी रचाओ, चलो तुम भी पहले की करो, पैर छुओ पैर वहाँ छुओ जहाँ छुआ जाता है। किस तरह छूते मुझे नहीं आता है, आप ही छू के बता दीजिए ना। पहले इनके हम गोड़ छुई के बताए तो हमारा गोड़ छुई है, इनका नहीं देखिया पहले निहुरा हमारे आगे, क्या पहले निहुरा हमारे अगवा, मैं नहीं निहुरू। अरे तो का पैर छुए सिखाता है और आगे आवा ऐसे खड़ी हुआ, अब तेरे के निहुर जा निहुरा, तो अब आओ निहुरा आओ निहुरा आओ निहुरा, अब ऐसे आधा घंटा तक निहुरी रहू का पैर और तरह छुआ जात का, नहीं तो आप छू के बता दीजिए ना किस तरह छूते हैं। अगवा हम बताता है, हाँ हाथ तरे के करा और जहाँ तय भुइया में ना पहुंचा हुआ तय निहुरत चली जा, एका हे, हे, हाँ। बड़ी कहो तुहार मंडौर बाढ़ है, ये मंडौर क्या होता है? यह संस्कृत शब्द है तुम ना समझ पाओ गया, एका सबके बस के बात नहीं ना। बड़ी कहो पुत्रवती हो सुहागवती हो तुहार सिंह बाढ़ है आन के घूर पेला, तोहका रामानंद राख है ससुरे जा, लगोटा खोले के रोजी न होए, मन सेतु एको न करा लड़का भीषण ठाई हो। ये कौन सा मंत्र है पंडित जी? ये मटिया आशीर्वाद है, मटिया हाँ। सही सही शादी रचाना नहीं तो कोई खलमंडल हो नहीं, हम मटिया पंडित है ना। ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम मंगलम मंगलम बाघर्ता बाघर्ता पार्वती परमेश्वरा काली काली महाकाली भद्काली कपीश काली जयंत काली नारायण मिश्र देवाय कल्याधा, कहाँ पेले चली जा एकदम हलबुलाने है कहा तुहार सबके मतलब हम जाना तही, कितनी जल्दी ब्याह हो जाए जाय देवतन पर सिरदा पर के अर्घम मूर दे मारी का, ऐसे खड़ी रहा जब मिलाए तब मिलाया। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम मंगलम मंगलम बाघर्ता बाघर्ता पार्वती परमेश्वरा काली काली महाकाली भद्काली कपीश काली जयंत काली नारायण विश्व देवाय कल्याधांग बोती शांति समर्पयाम। ओम हरि ओम हरि ओम अमरूदम प्रसादम ना खादम पेट पिरादम पुनः पुनः अशुद्धम ना भक्तम चरण दासे शीश मध्य पणंतम पुनः पुनः। ओम हरि ओम दाल भात खातम गचम गुचाहा गचम गुचाहा खंड मुंड चुंडनी प्रकाश मुंड गंडनी कैची लगवाओ तब तो छूरा तेज हो तब। ओम हरि ओम हरि ओम कर्पूर गौरम सिरमिट मौरम धाय दियो ईटा पकल लिए फौरन लड़की लड़का की शादी हो अंतम बाद में लड़की ससुराल जो अंतम लड़की लड़का मिलके एक कमरे में एक चारपाई पर सो अंतम बाद में बच्चा निकालतम बच्चा पंडित बप्पा कहतम गणाध पते नमः। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तसत तसत बार से कल वे विष्णुदेवा जम्मू दे प्यार दौते भाट खले कलयुगे प्रथम चन्ने मासा नाम मासे वैशाख मासम तिथियाम चतुर्थ्याम दिनवर्षा बालका नाम बालके।